गोरखपुर के रामगढ़ झील में 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 25वीं नेशनल सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप की तैयारियों को सोमवार को अंतिम रूप दे दिया गया। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से आई तकनीकी टीम ने लेन कोर्स बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया। बोट सेटिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। कुल 7 टीमें सोमवार को गोरखपुर पहुंच गईं। मंगलवार को सुबह से लेकर दोपहर तक सभी टीमें पहुंच गईं। खिलाड़ी मंगलवार को प्रतियोगिता से पूर्व अपना अंतिम अभ्यास कर रहे थे। आपको बता दें, प्रतियोगिता में कुल 19 राज्यों की सब जूनियर टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें बालक वर्ग में 136 और बालिका वर्ग में 114 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। रोइंग प्रतियोगिता को देखते हुए सोमवार से झील में स्पीड बोट के संचालन पर रोक लगा दी गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 23 अक्टूबर को खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव करेंगे। 26 अक्टूबर को चैंपियनशिप के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेता व उप विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। फाइनल मुकाबला भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ही खेला जाएगा। रामगढ़ झील में रोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने से जल क्रीड़ा खिलाड़ियों का सपना साकार हो रहा है। अंतर विश्वविद्यालय के बाद सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के द्वार भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल का ऐसा कायाकल्प कराया है कि आने वाले समय में यह वाटर स्पोर्ट्स का बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।